शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस तरह स्वीटी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था शिवांश। हमारी बात हुई थी, तय किया था हमने। तो क्या करें? नहीं हो रहा हमसे। हाँ, नहीं हो रहा हमसे कि आप हमारे सामने खड़ी है और हम किसी और से प्यार करें। नहीं, ये मुमकिन नहीं हमारे लिए। नहीं, ये मुमकिन हमारे लिए। हम आपकी तरह समझदार नहीं है ना कि अपने दिल पर पत्थर रख ले। दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा शिवांश। नहीं हो राम से। आप बताइए क्या करें हम? कहां जाके जान दे, मर जाए हम? आप क्यों परेशान हो रही है? आपके लिए तो आसान है रोहन को किस। आपके हाथ में लिपस्टिक। ओह, अब समझे हम। आप झूठ बोलने के साथ साथ आंख में धूल झोंकना भी सीख गए। और हमारी आंख में धूल झोंकने के लिए हमारी ही जैकेट का इस्तेमाल किया आपने। अगर हम भी तो देखें कि आप आंख में धूल कैसे झोंकती। तो कुछ इस तरह आपने ड्रामा किया रोहन को किस करने का सबके सामने, हमें ये दिखाने के लिए कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। शिवांश, लेकिन आप भूल रही हैं, आप भूल रही हैं कि प्यार छिपाई नहीं छिपता। बस कीजिए शिवांश, बहुत हुआ। हमारे लिए प्यार से बड़ी निष्ठा है, वो वादा है जो जो हमने रोहन से किया है, वो खुशियां है जो परिवार के लिए जरूरी है। तो आप भी तो रोहन को अपना पति नहीं मान पाई। बताइए, मान पाई उसको आप अपना पति? नहीं मान पाई, मानते हैं नहीं मान पाए, लेकिन कोशिश कर रहे हम शिवांश, कोशिश कर रहे हम। और आप मत भूलिए कि हम दोनों ने मिलकर तय किया था, स्वीटी और उसके बच्चे के लिए हम दोनों अपने रिश्ते आगे निभाएंगे। हमने नहीं तय किया था, आपने तय किया था। आपने कहा था जो काम आप नहीं कर पाई वो हम कैसे कर लेंगे। क्यों आप हमको जीते जी मारना चाहती हैं? हमारे सिवा आपको सबकी परवाह है। क्यों बोलिए, क्यों? क्योंकि स्वीटी अपने बच्चे को अबॉर्शन करा देगी, समझे आप? अबॉर्शन क्या?
आपसे सूटी ने ऐसा कहा? ने कहा हमसे कि जब आप उसे प्यार ही नहीं दे सकते शिवांश, तो वो बच्चे को जन्म क्यों दे, किसके लिए दे? सब हमारी गलती है, सब हमारा किया था। हमने ना आओ देखा ना ताओ, बस कर ली हमने स्वीटी से शादी। सब हमारे गुस्से की वजह से हुआ और उसकी वजह से आज सब लोग बहुत रहे। अगर हमने समझा होता ना तो आज ये सब नहीं होता। शिवांश, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस गलती को सुधारने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि आने वाले कल को संभाला जाए। और फिर हमारी दोस्ती का पहला वादा भी तो यही था ना। याद है आपको? जाइए शिवांश, अपने बच्चे के लिए ही सही स्वीटी को वो प्यार दीजिए, भरोसा दीजिए जिसकी वो हकदार है। स्वीटी से अबॉर्शन वाली बात नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आप स्वीटी से कोई लड़ाई नहीं करेंगे शिवांश, आपको आपको हमारी कसम। हमारा मतलब है हमारी दोस्ती की कसम। जाइए शिवांश, अपने बच्चे के लिए ही सही स्वीटी को वो प्यार दीजिए जिसकी वो हकदार है। स्वीटी, हमको माफ कर दो। शिवांश, शिवांश, I love you, शिवांश, I love you। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सच में हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। और जब तुम हमें छोड़ के जाते हो ना, हमको बहुत डर लगता है। प्रॉमिस करो कि कभी अकेले छोड़ के नहीं जाओ। बोलो बोलो, नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? माता रानी, अब बारी हमारे वादे की है। जो शिवांश से कहा वो करना है, अपना रिश्ता निभाना है। हमें हिम्मत दीजिए माँ। तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। माता रानी की तुम पर खास कृपा है। ये लो। ठीक है माँ। पता नहीं अभी अभी आया स्पीड पोस्ट से तुम्हारे लिए।
क्या लिखा है? माँ, हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मेडिकल स्कूल में अप्लाई किया था। हमारे प्रोफेसर ने खुद सिफारिश की थी माँ। माँ, ये बहुत बड़ा कॉलेज है यूएस में। हमारा सिलेक्शन हो गया है वहाँ पे। इसमें लिखा है कि बस हमें एक बार और परीक्षा देनी होगी ऑनलाइन, और उसके बाद 4 साल के लिए वहाँ पढ़ सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये माता रानी, सच? हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्त, बधाई हो। मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना माँ? अब चलिए, अब गुड़ खिला के सबका मुंह मीठा करवाइए। आपको याद है हमें गुड़ बहुत पसंद है? बताइए भला, हमें कैसे नहीं पता होगा। हाँ, हम गुड़ लेके आते हैं। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशंस। वैसे हमारे लिए कोई लेटर नहीं है, लगता है हमारा नहीं हुआ। लेकिन हम दोनों ने तो साथ में अप्लाई किया था, तो तुम्हारा कैसे नहीं हुआ और हमारा हो गया? अरे आपका कैसे नहीं होता भाई, आप तो जिला टॉप पढ़ाई करती हैं। माँ, आपने देखा था ना कैसे दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ाई की है। हाँ, बहुत मेहनत की है इसने। अब आपके सपनों को ना पंख मिल गए। माँ, अब आप देखना, हमारी श्रावणी है ना, एक बड़ी डॉक्टर बनकर वापस लौटेंगी। हमारा मतलब कि हमारी दोस्त। माँ, आप जाइए ना, गुड़ लेकर आइए, इतनी खुशी की बात है हम सब के लिए। हाँ, हम अभी गुड़ लेके आए। सॉरी शर्मी, तुम्हारे ये पंख हमें काटने होंगे, क्योंकि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये लो रोहन। क्या ड्रेस है, कितनी अच्छी ड्रेस है, हम पे तो बहुत अच्छी लगेगी। 9,000 का पहन के सारे सहेलियों को दिखाएंगे। ऑर्डर करते हैं। ठीक लाइन क्यों दिखा रहे हैं? फिर से करते हैं। अरे फिर से पेमेंट डिक्लाइन हो गई, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है, क्या करें अब? हाँ, मम्मी का क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, फिर ऑर्डर करेंगे। मम्मी, मम्मी जल्दी अपना क्रेडिट कार्ड दो। का है? अरे शॉपिंग करनी है, जल्दी दो ना, वो डील खत्म हो जाएगी। ये सब चूचले बाजी, काहे तुम इस सब चक्कर में पड़ी, हटो यहाँ से। अरे मम्मी समझा करो, हमको सेलिब्रेट करना है। कहे कि श्रवणी विदेश जा रही है, मतलब हमारा रास्ता साफ। आपको पता है कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात ना शिवाज ने हमें यहाँ माथे पे चुमा है। हाँ, हम तो बहुत खुश है। लो, आपने क्रेडिट कार्ड दो। तभी हम कहें तुम काय पगलाई हुई हो, तभी तुम्हारा माथा फिरा हुआ है, हैं? शॉपिंग करनी है, नए नए कपड़े पहनने से जिंदगी नहीं निकलती है। और जिसके लिए कर रही हो ना, उसको बोलो जाके कि 2 कौड़ी की भी कमाई नहीं है उसकी। किसके दम पे ये महंगे महंगे शॉप पाल रही हो? मम्मी बेकार की बातें मत करो, चलो लाओ क्रेडिट कार्ड लाओ। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, खत्म हो गए, जाओ। पैसे खत्म हो गए? पैसे कैसे खत्म हो गए?
अभी तो रोहन ने 7 लाख रुपए आपको लौटा है। अच्छा, वहीं इतनी औकात बढ़ गई कि तुम हमसे पूछोगी कि हमको किसी ने पैसे लौटाए, हमने उस पैसे का क्या किया, उस पैसे को हम आग लगा दें, उड़ा दें, वो हमारे पैसे हैं, जाके अपने पति से बोलो जाके पैसे कमाए। निठल्ले के जैसे घर बैठा रहता है, श्रवणी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, नए नए तरीके ढूंढता रहता है ताकि श्रवणी उससे प्यार कर सके, और तुम यहाँ पर सिर्फ कपड़े पहन पहन कर उसके सामने मॉडलिंग करना और सोचना कि ये हमसे प्यार करेगा। कोई प्यार व्यार नहीं करने वाला, समझी तुम? कैंटीन में मैनेजर है, वो भी 2 कौड़ी का, लोगों को खाना देता है, समझी? तुम्हारी जो सारी दोस्त है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं, और तुम जाओ बाइक पे, तुम जाओ यहाँ पर ठेले पे खाना खाने। बताओ अपने पति को जाके ये सारी बातें, और बोलो थोड़ा घर से बाहर निकले, 2 पैसे कमाए, फिर तुम जाके ये सब शॉपिंग करना, ताकि मुंह उठा के आओ नहीं, मम्मी पैसे दे दो, मम्मी क्रेडिट कार्ड दे दो, मम्मी डेबिट कार्ड दे दो। शर्म नहीं आती है तुमको? कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले तुमको हम। जा रहे हम, नहीं चाहिए आपके पैसे, शिवांश से ही ले लेंगे हम। शिवांश मांग, 100 रुपल्ली भी नहीं देने वाला तुम्हारा शिवांश, समझी? और हमारे कफन के भी पैसे मांगने आना तुम। प्रोफेसर त्रिपाठी, उनको थैंक यू भी तो कहना है, इतनी मदद की उन्होंने हमारी यहां तक पहुंचने में। फोन करते हैं। रोहन, ये क्या कर रहे हो? बहुत खुश हूं, रॉबर्ट में सिलेक्शन हो गया, अकेली जा रही हूं। अकेली जा रही हो? लेकिन हम दोनों ने तो साथ में अप्लाई किया था ना रोहन, ये सोच के कि हम दोनों साथ में जाएंगे। सॉरी, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन तुम भी तो नहीं चाहोगे ना कि हम इतना बड़ा मौका छोड़ दे। शर्मी, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसके बारे में कभी तुमने सोचा है? पता, और एक काम है, इतने बड़े बेवकूफ हैं सच में, तो देखो अब स्वार्थी भी हो रहे। शर्मी, हमने शिवांश को अपनी किडनी दी ये सोचकर कि तुम उसकी चिंता छोड़ोगी और अपने जीवन में आगे बढ़ो, इसी शर्त पे हमने तुमसे शादी की कि तुम अपने सपने पूरे करोगी। रोहन, सपने ही तो पूरे करने जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, तुम यही तो चाहते हो ना? हमें तो लगा था कि तुम बहुत खुश हो गए ये खबर सुनकर, तो अब अचानक क्या हो गया, ये दिक्कत क्यों हो रही है? सपने, चाहते हम भी यही थे, तुम इस घर से, इस परिवार से दूर चली जाओ ताकि पढ़ सको, अपने करियर में आगे बढ़ सको, अपने सपने पूरे कर सको, लेकिन तब तुम ही ने हमें रोका था। क्यों, आज तुम्हें माँ की चिंता नहीं? यार, जब शादी के बाद हमने तुमसे कहा था कि चलो इस घर से चलते हैं, तब तुम ही ने हमें रोका था ये कहकर कि माँ अकेली रह जाएंगी, फिर जब ये घर नीलाम होने लगा तो हमने इस घर को खरीदा था ये सोचकर कि चलो कम से कम तुम अपनी माँ के साथ रह सकोगी। अपनी तुम्हारी खुशी के लिए हम इतने समय से शिवांश के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और तुम पहला मौका मिलते हमें छोड़ के चली जाओगी? क्यों, अब तुम्हें मां को छोड़कर जाने में कोई ऐतराज नहीं, या फिर हमें छोड़कर जाने में? रोहन, तब अम्मा जी और शिवांश मां से बात नहीं करते थे, लेकिन आज माँ परिवार के साथ है, और शिवांश, उनको उनकी गलतियों का एहसास हो चुका है। हाँ शिवांश, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारी और शिवांश की दोस्ती हो गई, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो गई, इसी खुशी की वजह से तो वो बाहर सबको गुड़ खिला रहा है ना? सब कुछ ठीक हो गया है रोहन, और तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी और शिवांश की दोस्ती हो चुकी है, अब तुम्हें हमारी जरूरत क्यों होगी, है ना? तो इस बात से हमें खुश होना चाहिए।
श्रवणी, हमने अपनी पूरी दुनिया पलट दी थी तुम्हारे लिए, अपने किडने दिए, घर खरीदा, ना जाने क्या क्या, और तुम पहला मौका मिलते ही इस रिश्ते से दूर चली जाना चाहती हो। श्रवणी, जहां तक बात रही सपनों की, तो सपने तो तुम यहां रहकर हमारे साथ पढ़कर भी पूरे कर सकती हो ना, इंडिया में। सही कहा तुमने, सपने तो यहां पे पूरे किए जा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम रोहन, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हम अपने रिश्तों से मुंह फेरने वालों में से नहीं। तो बेफिक्र हो जाओ रोहन, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। थर्सडे को एग्जाम है ना शमनी, और बुक्स ही नहीं होंगी तो एग्जाम की तैयारियां कैसे करोगे? अब हम एग्जाम कैसे देंगे? तुम? आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।